विक्टर जो कि रिपब्लिक ऑफ क्रोजिया से न्यूयॉर्क आया था, वहाँ कस्टम ऑफिसर फ्रैंक उसे बताता है कि जब वो प्लेन में था तब उसके देश की सरकार का तख्ता पलट हो गया। न्यूयॉर्क क्रोजिया के नए सरकार को मान्यता नहीं देती है। अब विक्टर ना यूनाइटेड स्टेट जा सकता है और ना ही वापस अपने देश। पासपोर्ट और टिकट भी पुलिस सीज कर लेती है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता उसे एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा। विक्टर अब ट्रॉली को उसके जगह पर लाकर रख देता है, इससे उसे हर बार के 25 सेंट मिलते हैं। दिन के बाद विक्टर को एयरपोर्ट पर ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल जाता है, इससे उसे डेली के $20 मिलते हैं। काम के बाद विक्टर जगह देकर वहीं सो जाता है। उसे एयर होस्टेस अमेलिया से प्यार हो जाता है। विक्टर को एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों से दोस्ती हो जाती है। कस्टम ऑफिसर फ्रैंक अमेलिया को विक्टर की सारी सच्चाई को बता देता है। अमेलिया विक्टर से पूछती है कि सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वो अपनी कैन को दिखाता है जो कि एक हंगेरियन बैंड की थी। उसके डैड ने ये सब न्यूज़पेपर से निकाला था। उसके डैड ने बड़ी मुश्किल से सभी मेंबर को लेटर लिखा। 40 साल के बाद रिप्लाई आया, लेकिन एक मेंबर का जवाब आने से पहले ही उसके डैड की मौत हो गई। वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इस लेटर का जवाब लेकर आएगा।